बिना किसी स्वार्थ भाव के प्यार लुटाती है महिला, बिना किसी स्वार्थ भाव के प्यार लुटाती है महिला, घर को स्वर्ग बनाती है महिला, फिर भी तिरस्कारी जाती है महिला, ना जाने फिर भी क्यों तिरस्कारी जाती है महिला। नमस्कार, मैं सोनिया कश्यप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान अधिकार के लिए विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है। यूथ वीरांगनाओं ने महिलाओं के उत्थान के लिए इस पग पे अनेकों कार्य किए हैं। यह संस्था 11 वर्षों से गर्भ से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी झलकियां और मिलवाते हैं ऐसी महिलाओं से, ऐसी जरूरतमंद महिलाओं से, जिनकी इस संस्था के द्वारा मदद व सहयोग के बाद जीवन में बहुत से रंग भर गए। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मैं बलबीर कौर ते मैं यूथ वीरांगना बहुत शुक्रिया अदा करती हाँ। उन्होंने मैनू इन्नी सहायता दी। उन्होंने मैनू 9 महीने तक राशन उपलब्ध करवाया, दुध दिता, सब्जियाँ फल आदि देंदे रहे। मैं उन्हों का बहुत धन्यवाद करती हाँ। और हुण वह मैनू पंजीरी ते कपड़िया की, गर्म कपड़िया की सहायता कर रहे हैं। मैं उन्हों का तहे दिलों शुक्रिया करती हाँ। यूथ वीरांगना बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद करते हैं। साढ़े घर पोती हुई पहला 9 महीनों तक इन्होंने बहुत साड़ी सेवा की है। मेरी नूँह की फल फ्रूट दिता, दुध भी लाया, राशन भी भेजते रहे हैं, सारी चीज़ देंदे रहे हैं। असं यदा बहुत धन्यवाद करते हैं। हूँ पंजीरी लेके आए हैं, शूशक लेके आए हैं, बहुत खुशी के नाल दे के चले हैं। असं बहुत बहुत धन्यवाद कर। कोई काम नहीं था, फिर मुझे पता चला यूथ वीरांगना का। मैं वहाँ पे गई, सिलाई सेंटर पे सीखा है मैंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन बंदों ने मुझको बतलाया, सिखलाया, और आज मैं सीखकर अपने घर पर कामयाब हो गई हूँ। घर पे भी अपने बच्चों के बाहर के कपड़े सीती हूँ, और यो मेरे लिए वरदान है यूथ वीरांगना का कि मुझे सफलता मिली और मैं कामयाब हो गई। बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे समझाया गया और सिखलाया गया। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है, मैं हिसार से हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे परिवार में भाई बहन, मैं और मेरी मम्मी हैं। पड़ोस से मुझे यूथ वीरांगनाओं की तरफ से फ्री ब्यूटिशन कोर्स का पता चला। जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ गई। मैम ने मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाई।
स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन बाद में मुझे समझ में आने लग गया। मैंने वहाँ पर फेशियल, ब्लीच, वैक्स, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और यहाँ तक कि ब्राइडल भी सीख लिया है। अब मैं ब्राइडल खुद से भी कर लेती हूँ। सेंटर पर मैं मेहंदी भी सिखाती हूँ, जिससे मुझे इनकम हो रही है। मैं यूथ वीरांगनाओं की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अगर आगे मुझे मौका मिला तो मैं यूथ वीरांगनाओं की तरफ से बच्चों को ट्रेनिंग भी दूंगी। थैंक यू। रानी भाई रवे वहाँ बतायो कभी ते वो काम कर लो तार कोई नहीं पे भी मरता तो कोई नहीं कोई देना रो तो भाई बता दियो बोले मरता रहे ते ये बता दिया मैं थाने ते मेरा ना बाग या पे भी मेरे थाने सारो देश यात्री करो कोई होटल आटी कर भी मना उठने करा दियो मैंने बहुत अच्छा लगियो चाय पत्ती दे दी चाय चीनी दे दी और गैस सिलेंडर सब कुछ दे दी रेडी राडी सारी चीज दे दी भी मैं राजी हो गया मैं खुश हो गया तो मरता बन लग गई तो मेरी ठीक मर काम चाल गयो मन बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? बस 500 रुपया बनी जाओ 500 रुपया। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग गया मैंने। कदम मिलाकर चलें, हमें भी चाहिए कि हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें और समाज में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से लड़ें। इन महिलाओं को आजादी से जीवन जीने देने में सहायता करें और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Virangnai. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Virangnai. For any queries, reach out to youthvirangnai2010@gmail.com or www.youthvirangnai.org. Thank you.